हेलो दोस्तों, मैं सुन कुमार ढिलोर स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंजीनियर्स टाइम में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मक्स के बारे में। मक्स जिसे मल्टीप्लेक्सर भी बोलते हैं, वो क्या होता है। तो मक्स हमारे क्या काम करता है। मक्स एक मान लीजिए एक तरह का स्विच होता है, ठीक है। मक्स में कई सारे इनपुट आते हैं। ये मक्स क्या करता है, इन बहुत सारे इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए हमारा ये इनपुट होगा, हमारे ये इंस्ट्रक्शन बोल दीजिए, ऐसे इनपुट ही होते हैं क्योंकि ये लिंक आते हैं। तो ये इनपुट 0, 1, 2 और 3, तो इसने क्या करेगा, ये इसे एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा सिंगल आउटपुट हो गया। अब इसमें जीरो भी लग सकता है, तो इसे हम वाई कर देते हैं या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसे हम इनपुट मान लें तो यह सिंगल आउटपुट देता है। तो मक्स ये काम करता है, एक मक्स स्विच की तरह होता है, एक डिवाइस होता है जो कई सारे इनपुट लेता है और उसे एक आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, एक लीज लाइन के ऊपर मैंने वीडियो बताई थी। उसमें क्या करते सर्विस प्रोवाइडर, वो एक कई सारी लोकेशन से, मान लीजिए एक लोकल सा एरिया है, उसमें से बहुत सारे ये लिंक ले रखे कस्टमर ने। तो वो क्या करेंगे, अगर उन्हें मान लीजिए एक लिंक चाहिए दिल्ली में, 10 लिंक चाहिए और 10 लिंक चाहिए मुंबई में, तो ये क्या करेंगे कि दिल्ली से जो लिंक आएंगे इन सारों को एक जगह दिल्ली के एक लोकेशन पे मक्स में कनेक्ट कर देंगे और मक्स से फिर एक सिंगल लिंक ले जाएंगे मुंबई तक। तो ये मक्स हो गया यहां पे, और यहां पे ये डी मक्स हो जाएगा। डी मक्स क्या करता है, ये बहुत सा ये एक सिंगल इनपुट को, ये सिंगल इनपुट, एक सिंगल इनपुट को कई सारे आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से ये इनपुट आए, 10 लिंक आए यहां से, ये मक्स ने क्या करा, 10 लिंक को इकट्ठा करके एक सिंगल लिंक भेजा मुंबई तक। इससे क्या होता है, काफी सारा जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है आईएसपी की, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। तो यहां से भी डी मक्स ने क्या करा, इस सिंगल लिंक को कई सारे लिंक में जो 10 लिंक चाहिए थे मुंबई में उन्हें दे दिया। तो ये एक काम करता है मक्स। अब मक्स में आपको थोड़ा कुछ और बता देता हूं। मक्स में क्या होता है, इसमें कुछ कि ऐसा भी होता है कि इसमें कौन से इनपुट को क्या आउटपुट देना है, कब आउटपुट देना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए में कुछ इसमें सिलेक्शन लाइंस होती है। ये हमारी सिलेक्शन लाइंस है, इन्हें हम कंट्रोल लाइन भी बोलते हैं, कंट्रोल लाइन। और काफी बुक्स में या काफी कुछ राइटर से अलग अलग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसे मोस्टली सिलेक्शन लाइन या फिर कंट्रोल लाइन कहा जाता है, क्योंकि इस इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करती है। तो मान लीजिए इसे हम सिलेक्शन लाइन से इसे हम बोलते हैं S1 और ये S0। इसमें क्या फंड होता है इसका, कि मान लीजिए अगर ये एस को इसे हम एन मानते हैं, तो इसमें 2 की पावर n, अगर है हमारी n, हमारी सिलेक्शन लाइन जो हमारी 1 है, n1 जो हमारी ये s को हमने n माना है, तो अगर 2 की पावर n1 रखते हैं, n1 है हमारा, तो इसमें जो हमारा इक्वल होगा 2, तो यानी इसमें जो इनपुट आएगा 2 आएगी। तो लेकिन ये 4 वाली है, तो ये 4 वाली कैसे आई होगी, ये आई होगी 2 की पावर 2 रखने पर, n को अगर 2 मानते हैं तो ये 4। तो यानी अगर सिलेक्शन लाइन 2 है तो इनपुट 4 हो गए, सिलेक्शन लाइन 1 है तो इनपुट 2 हो गए, और अगर ये 3 है तो 2 × 4 और 4 × 8 इनपुट हो गए, ऐसे एक सिलेक्शन लाइन और आ जाएगी। तो इन सिलेक्शन लाइन का यूज होता है। अब इनका यूज क्यों होता है, ये इनपुट को कंट्रोल करने के लिए होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे हम मक्स टेबल बोल सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर टेबल। इसमें मान लीजिए हमारा आउटपुट वाई हो गया, ये हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया जो हमारा S0 और S1 थे। तो अगर S1 तो इसकी जैसे 4 है इनपुट, और इसमें भी अगर सिलेक्शन लाइन का देखे तो इसकी पावर अगर 4 इनपुट आ रहा था, यानी इसमें जब 2 यूज कर रहे तो इसमें 2 कंडीशन बन सकती है। जैसे अगर 1 होता है, एस की एक ही होता है, तो इसमें 2 कंडीशन बन सकते हैं, ट्रूथ और फेज।
तो अगर इसमें ये हमारे पास फोर है, जैसे वन को तो इक्वल टू रहा था और टू को रखा था तो फोर था, तो इसमें फोर कंडीशन बन सकती है। तो फोर कंडीशन क्या हो सकती है, वो जीरो जीरो, ये तो एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है हमारी वन जीरो, और तीसरी कंडीशन होती है जीरो वन, और फोर्थ कंडीशन होती है वन वन। तो ये हमारी इन दो सिलेक्शन लाइंस पर ये चार कंडीशन बन सकती है, ठीक है। ये चार कंडीशन इन चार इनपुट को कंट्रोल करेगी। कैसे, अगर ये जीरो जीरो है तो आउटपुट आएगा आई जीरो, अगर वन जीरो है तो आउटपुट आएगा आई वन। जीरो और वन है यानी एस एस जीरो जीरो और एस वन वन है तो आउटपुट आएगा आई टू, और अगर एस जीरो वन है और एस वन वन है तो ये आउटपुट आएगा आउटपुट थ्री। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हमारा ये मक्स ये हमारा देखना चाहता है कि हमें ये इनपुट जीरो को आउटपुट में लाना है, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। इसमें एस जीरो होगा, एस जीरो जीरो होगा और एस वन भी जीरो होगा, तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो इसका आएगा। तो ये टेबल है, ये इसे बताते हैं क्या कैसे हमारा ये कंट्रोल हो रहा है मक्स में, कैसे हमारा आउटपुट जा रहा है। तो ये तो टेबल हो गई, इसका लॉजिक डायग्राम भी बनता है, लेकिन लॉजिक डायग्राम मैं आपको अपने अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको पहले लॉजिक गेट सिखाने पड़ेंगे। तो लॉजिक गेट क्या होता है उसके बारे में आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, उसमें लॉजिक गेट में आपको बताऊंगा कौन कौन से गेट होते हैं, कैसे उनके सिंबल होते हैं, कैसे उनका यूज होता है। उसे सिखाने के बाद मैं आपको इसका ये भी बताऊंगा कि कैसे हम इस टेबल का लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सके, और इस वीडियो को अगर लाइक करिएगा अगर आपको ये अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी इसे सीख सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं जल्द ही आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लाऊंगा लॉजिक गेट के ऊपर, और साथ में आपको डीमक्स के बारे में भी और अच्छे से बताऊंगा। तो उन वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, थैंक यू गाइस, जल्दी मिलेंगे।